आज ये दो टूल जो नीचे वाले हैं जो कि ग्राफ पेपर है और इम्पैक्ट टूल है, इसका भी इस्तेमाल देख लो। कॉरल में इन दो टूल्स का इस्तेमाल क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, नाम वाइज इस तरह की चीज नजर नहीं आती आमतौर पर सॉफ्टवेयर्स में। तो ये ग्राफ टूल एक टेबलर फॉर्म में ग्राफ बना देगा, जिसको मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ अभी आपको बताता हूँ। और एक होता है इम्पैक्ट टूल, इसको इस्तेमाल कैसे करता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप नया पेज बना लो। ग्राफ टूल, ग्राफ टूल करता क्या है, ये सेकंड लास्ट है बल्कि लास्ट वाला ग्राफ डी। अच्छा, ग्राफ टूल पे जैसे क्लिक करते हैं वो कॉर्नर पे आपको रोज एंड कॉलम्स आपको बता रहा है। इस वक्त रोज है जनाब 4, 3, ये लो बना लो, ये ग्राफ पेपर है। इसको कम ज्यादा कर सकते थे, अगर आप बढ़ाना चाह रहे थे तो पहले बढ़ा दो, रोज बढ़ाना चाह रहे हो रोज पहले बढ़ा दो। 10-5 मैंने कर दी, ठीक है, दोबारा देखते हैं। 10-5, 10 रोज है, 5 कॉलम्स हैं। अच्छा, ये किस लिए बनाती हैं ग्राफ, क्या मकसद है ग्राफ बनाने का? ग्राफ बनाने से अगर आप चाहो अपने ग्रिड्स के ऊपर आप कलरिंग करना चाह रहे हो, आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने आपको स्मार्ट फिल करवाया था। स्मार्ट फिल से आप इन ग्रिड्स को फिल कर सकते हो, अगर डिफरेंट कलर्स को करना हो आप कर सकते हो, जैसे मैं करने लगा हूं। यहां से कलर बताओ जो कलर आपने फिल करने हैं, यहां से लिस्ट में से ले लो, रेड कर दें, और इसका स्ट्रोक हम 1 पॉइंट का करते हैं, जिस जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो फिल हो जाएगा। जहां जहां करना चाहो आप इसको फिल कर सकते हो। मजे की बात है, ये आपका जो फिल किए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इसको ट्रैक करके साइड पे ले जाओ ये आपका डिजाइन एक कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अगर आपने पेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कोई शेप्स बनानी है, कोई इमेज प्रोड्यूस करना है, ग्रिड्स की मदद मतलब से ये काम कर सकते हो। आप पूरा का पूरा अपना स्क्रीन के ऊपर उसको ड्रॉ कर सकते हो। ये तो अभी मैंने 10 रोज और 5 कॉलम से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, छोटे छोटे भी तो हो सकते हैं, उससे आप अपना पूरा कॉन्टेंट बना लो। बनाने के बाद ग्रिड्स को साइड पे कर लो और आपका कॉन्टेंट पेज के ऊपर स्टिल पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो सकती है, दूसरी देखते हैं, एक और काम करते ना। स्टूडेंट्स कहते हैं सर पॉसिबल है कि इनके अंदर इमेजेस लोड कर लिए जाएं? चलिए इमेजेस लोड करते हैं। ग्राफ पेपर में गए और हम कर लेते हैं 4 रोज कर लेते हैं, 2 कॉलम कर लेते हैं। ये रोज है, नीचे वाली रोज है, 4 रोज और 2 कॉलम, ये लो। अगर आपको कहा जाए कि इनके अंदर मुझे इमेजेस लोड करने हैं, ये ग्रिड्स के अंदर मुझे इमेजेस लोड करने हैं, एक तो मैंने बोला ना कि आप पेंट वेंट करके अपना डिजाइन कंप्लीट कर सकते हो, इमेजेस लोड करने हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। अगर तो आपने सिंगल इमेज लोड करना है इन पूरे स्क्वेयर्स में, सिंगल भी कर सकते हो, अलग अलग करना है वो भी कर सकते हो। अब वो किस तरह, आप यहाँ पे प्लेस कर लो, इंपोर्ट कर लो, वो इमेज इंपोर्ट कर लो जो आपने इसके इनसाइड पुट करना है, लाइक ये ले लेते। ये रहती है, ये स्टूडेंट मैं एक इमेज ले आया, इस इमेज को मुझे इस ग्रिड के इनसाइड पुट करना है, ठीक है। अब वो किस तरह होगा, जिस तरह एक आम इमेज एक बॉक्स में जाता है, ये ग्रिड्स में भी वैसे इमेज आ जाएगा, ये देखिएगा। राइट क्लिक करो,
प्लेस पावर क्लिप इन साइड, ये लो। अच्छा जब आपने ये फिट कर दिया स्टूडेंट, अगला काम आपने पता क्या करना है, बारकोड आपको कोई इस तरह का मैगजीन होता है जिसमें आपने पजल को कंप्लीट करना है, आपने इमेज को आपने ब्रेक करके अलग अलग रख दिया, उसको फिर ठीक करना है। तो ये देखो कैसे होगा, ये इसके लिए आपने काम करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना पहले, फिट अगर कॉन्टेंट करना है आप कर लो, स्ट्रेच करना है, फिल करना है, फिल कर दिया, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। इसके बाद आपने करना ये है, इसको क्लिक करने के बाद ये क्या लिखा है, अनग्रुप, अनग्रुप कर दो इसको। देख रहे हो अनग्रुप हो गया। ये लो जी आपका पूरा का पूरा इमेज अनग्रुप हो गया, ठीक है। स्टेप मैंने आपको बता दिया कि पहले ग्रिड क्रिएट करनी है, फिर इमेज लेके आना है, फिर इसमें प्लेस कर देना है, फिर इसको अनग्रुप कर देना है। एक तो ये हो सकता है, इसके थ्रू आप इस तरह का भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। एक और काम करते हैं, अंडू करता हूं। एक काम और जो हो सकता है स्टूडेंट, वो ये हो सकता है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये ग्रिड्स जो बनी हैं इस टूल से जिसका नाम ही ग्राफ पेपर है, इसके थ्रू अगर आपने ये कंप्लीट कर ली है तो इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर दो। जब ये कन्वर्ट टू कर्व कर देते हो, बल्कि कन्वर्ट टू कर्व की करने की जरूरत नहीं, अगर कन्वर्ट टू कर्व करना है तो इससे फायदा क्या होता है वो भी देख लो। शेप टूल याद होगा, शेप टूल हमने की थी, शेप टूल से आप इसमें अगर चाहो सेलेक्ट करने के बाद इसको अनग्रुप कर लेना। अब आपकी ये इंडिविजुअली हर शेप अलग है, क्लिक करके देखो ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, हर शेप अलग बनेगी। और अगर आप इसमें कोई काम करना चाह रहे हो, चेंजेस करना चाह रहे हो, आप इसको कर सकते हो। वो किस तरह, ये देखिए ये आपके पास शेप के एंगल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये नोट्स नजर आ रहे हैं, आप नोट्स को एक्टिव कर लो, जहां पे जो चेंजेस करनी है आप कर सकते हो। जैसा एक आम शेप टूल आपको अलाउ करता है रीशेप करना, ये देखो फिलिंग मैंने नहीं की, फिलिंग करनी है कर लो, इन दोनों में फिल भी कर लेते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर इमेजेस भी आ सकते हैं, इसके अंदर अलग इमेज डाल दो, इसमें अलग इमेज डाल दो, इसमें अलग इमेज डाल दो, बल्कि छह के छह बॉक्सेस में अलग अलग इमेज देके आ जाते हैं। अब वो किस तरह, आप जस्ट इंपोर्ट कर लो, कोई पेज आपने डिजाइन किया उसमें ये आपको इमेजेस रिक्वायर्ड हैं, ये मैंने इमेजेस को यहां से इंपोर्ट किया, एक दो तीन चार पांच छह, छह इमेजेस इंपोर्ट कर लिए, ये लो, एक दो तीन चार पांच छ, और इनके अंदर मैं इनको प्लेस कर देता हूं, चेक कीजिएगा, प्लेस इनसाइड फिट, प्लेस इनसाइड फिट, प्लेस इनसाइड। इसका मतलब ग्राफ पेपर इज इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ इस तरह का उसमें रिक्वायर्ड हो, आप पेज के ऊपर आपकी वर्किंग इस तरह की चाहिए, इजीली आप इससे ये काम ले सकते हो। ग्राफ पेपर की ऑप्शन यही काम करती है, कभी आपको अपने पेजेस इस तरह के डिज़ाइन करने हो जिसमें ग्राफ पेपर के थ्रू ग्रिड्स बना लेना, ग्रिड्स बनाने के बाद उसको अगर आप चाहो सिंगल इमेज के तौर पे इसको कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल करना है, या आप उसको नंबर ऑफ शेप्स के लिए प्लेसमेंट के हवाले से कंटेनर के तौर पे अलग अलग आप उसको यूज़ करना हो वो भी किया जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि आपका सिंपल एक ग्राफ पेपर को इस्तेमाल करके अपने पेज को आप कंटेंट वाइज पॉपुलेट करना हो तो ये किया जा सकता है।
तो ग्राफ पेपर का ये यूज है। और बाकी आप जितने भी ये ग्रिड्स आपने क्रिएट करते हो, लाइक आई वांट टू क्रिएट वन मोर टाइम, ये आपने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर के साथ ऊपर आपने रोज एंड कॉलम बता दी, और क्या बताना है, आपने वेट बता दिया, और आपने क्या बताना है, आपने लाइन स्टाइल बतानी है। ये सारी चीजें आप यहां से पहले क्लिक कर लो, बाद में करनी है बाद में भी कर सकते हो, ये आपने सारी ऑप्शन यहां से बता देनी है, ठीक है। बताने के बाद ड्रॉ कर देना, ये आपका ग्राफ पेपर आ गया। ग्राफ पेपर के बाद यहां से वेट आप यहां से इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप इंक्रीज करना चाहो, ये वेट इंक्रीज हो रहा है, और बढ़ाना चाहो और बढ़ा सकते हो, राइट क्लिक करके स्ट्रोक आ जाएगा और लेफ्ट क्लिक करके फिल आ जाएगा। और अगर आप इसका स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज करना चाहो या लाइन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ईच एंड एवरी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपकी मर्जी है इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। शेप टूल तब यूज करनी है जब आप इसके अंदर शेप में चेंजेस करना चाहो, अगर ये बॉक्सेस हैं दोबारा से अगर आप, तो ये आप इसको सिलेक्ट करके ग्राफ पेपर के थ्रू ये सारा अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। शेप टूल तब यूज करना जब जरूरत पड़े शेप पे काम करना, लेकिन शेप टूल तब एक्टिव होगा जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे कर्व्स में, अदरवाइज शेप टूल ने काम नहीं करना। कन्वर्ट टू कर्व कर देना, अगर आपने कन्वर्ट टू कर्व नहीं करना, अनग्रुप अगर कर दोगे तो याद रखना शेप टूल का रोल थोड़ा डिफरेंट है कुछ इस तरह का। हर शेप को आप अलग अलग डील कर सकते हो। सारे सेलेक्ट कर रहे हैं, सारे कर लो, किसी एक को करना, सब किसी एक को कर लो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर आपने शेप को चेंज करना है, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना पहले इसको, कन्वर्ट टू कर्व। जब तक नहीं करोगे आपको शेप टूल की सारी प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, प्रॉपर्टीज अब आएंगी शेप टूल की, जो कि आप सिलेक्शन यहां से करते हो। मैं शिफ्ट के साथ अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये शिफ्ट के साथ आपको पता नोट्स एक्टिव होती हैं, वैसे नोट्स को सेलेक्ट करने का तरीका आपके पास ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से सारी नोट्स को एक्टिव कर दो, और ये नोट्स एक्टिव करने के बाद अगर आप इसको मूव करना चाहो, ये देखो शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, जैसे शेप देनी हो आप इसकी शेप दे सकते हो। आपके पास पॉइंट्स, ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, ये दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, ये तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, अगर मैंने तीन पॉइंट्स को एक्टिव करके इसको मूव करूंगा, ये देखो आपके वो दो तीन पॉइंट जो हैं वो जिनको आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पे आप इस का एक्शन अगर करना हो आप कर सकते हो। ये लो ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल बना लो, ये लो, ये डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर क्या एक्शन करना चाह रहे हो, ये लो। लेकिन ये काम करने के लिए आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ग्राफ पेपर ग्रिड्स बनाने के लिए होता है, अब उसका इस्तेमाल एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप क्या करते हो, ये एक डिफरेंट आपका एक इसमें कंटेंट डेवलप करने के वाले से एक्शन हो सकता है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये एक आपके पास ग्राफ एक्चुअली ग्रिड्स को बनाने के लिए होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उसके बाद उसके ऊपर जो एक्शन आपने करना है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास टाइम है तो अब हम एक और काम करते हैं, इम्पैक्ट टूल को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। बाद आपको ऐसे पेजेस चाहिए होते हैं जिसमें इम्पैक्ट जनरेट करना हो कुछ इस तरह का, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये इम्पैक्ट टूल, ये ग्राफ पेपर था जिसमें मैंने आपको कॉलम्स एंड रोज और उसके अंदर इमेज सिंगल करना है या सारे करने हैं वो कर सकते हो, जो आप अनग्रुप करके अलग अलग कर सकते हो, ये इम्पैक्ट टूल होता है। और इम्पैक्ट टूल में दो तरह के इम्पैक्ट अवेलेबल है इफेक्ट्स, एक पैरेलल कहलाता है एक रेडियल कहलाता है, ये रेडियल वो रेडियल है, वो साथ ही पैरेलल भी है, और इसमें रेडियल और पैरेलल जब आप ऑन करते हो तो इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ग्राफिक डिजाइनर इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है, ये डिपेंड करता है आपके माइंड के अंदर जो डिजाइन चल रहा है उसके मुताबिक। ये लें जी, एक नया पेज बना लेते हैं, इम्पैक्ट टूल का इस्तेमाल देख लो,
बाद का कॉरल में जरूरत पड़ जाती है अगर आपको इस तरह का इम्पैक्ट चाहिए। इम्पैक्ट आसान आसान से टूल्स हैं, इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफा मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाना है, फिर आप जानो आपका काम जाने। सही है, अब मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दूं ना, एक तो मैं तो गो थ्रू कर दूं ना। ये लो अपने सर से, तो मैं उतार दूं, गुनाह मैं क्यों अपने सर रखूं। इम्पैक्ट टूल, हाँ उस सर ने तो करवाया कुछ नहीं, और टूल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हम तो वैसे ही सीरियस नहीं थे, वो मुझसे भी डबल सीरियस थे। अच्छा इम्पैक्ट टूल, अच्छा इम्पैक्ट टूल क्या करता है जनाब, दो तरह के इम्पैक्ट जनरेट होते हैं, एक रेडियल कहलाते हैं, ये देखो बिल्कुल कॉर्नर पे देखो, दो आपको इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, एक रेडियल है एक कौन से है पैरेलल है। पहले रेडियल देख लेते हैं, पैरेलल और रेडियल दोनों में बिल्कुल माइनर सा फर्क है। बालोगत आपको यहां पे ऐसा टेक्स्ट लेके आना होता है जिसमें आप इम्पैक्ट पैरेलल जनरेट करना चाह रहे हो। ये पैरेलल को जब आप ऑन करते हो, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एंगल ऑफ रोटेशन है, मिनिमम मैक्सिमम लाइंस हैं, स्टेप्स हैं, उसका डिस्टेंस है, लाइन स्पेसिंग है, उसकी आगे फर्दर रेपिटेशन है स्टेप्स की, स्पेसिंग की। और एक चीज और इसमें है, वो ये है आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए पैरेलल इंपैक्ट में, स्ट्रेट लाइन, बोथ एजेस शार्प, बोथ एजेस राउंड, एक एज शार्प, एक एज थोड़ा सा वाइड, ये चार आपको इम्पैक्ट नजर आते हैं। मैं पहला इम्पैक्ट पे चलता हूँ, स्ट्रेट वाला, ये जब आपने क्लिक किया, ये इम्पैक्ट अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, देखो होता क्या है, इसे पैरेलल है ना, लाइनों के दरम्यान में डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम, और ये हैं स्टेप्स, ये लो, ये बस इतना ही करता है, इंपैक्ट है ये। कितनी लाइंस हैं, कौन से ज्यादा करनी है, रोटेट करना है, ये जो एक छोटा सा वो बनाया है उसने लाइंस को एक डायरेक्शन दे रहा है, वैसे तो ये 0 डिग्री होता है ऐसे, ठीक है, लेकिन बाद आपको इसके लाइंस के जो पैरेलल लाइंस इसने जनरेट किए हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेट करना चाहो एंगल वाइज, यहां से, हाँ यहां से आप इसको कर सकते हो ऐसे। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, फायदा क्या है, हाँ नहीं कोई तो वो फायदा होगा, हमने यहां पे एक काम करते हैं, मैं इसको ना इस तरह कर लेता हूं, ये देखो ये इम्पैक्ट है, इसको आपने क्लिक किया, इसका साइज मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए नहीं नहीं देखी नहीं मैंने, नहीं मैं नहीं देखता मूवीज। अच्छा ये देखो, अब आप अगर चाहो तो इन लाइंस के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो, वो कैसे, ये देखो लाइन का स्टाइल देख रहे हो, दोनों एजेस शार्प हो गए, दोनों एजेस शार्प हो गए, पूरा मैं कंटेंट नहीं दिखा रहा, साइड के ऊपर वो थोड़ी देर के लिए मैंने टेक्स्ट को गायब कर दिया, दोनों एजेस शार्प हो गए हैं। ये इसका कलर सेट कर दूं, रेड कर दूं, ये लो रेड, इसलिए कि आपको थोड़ा दिखे तो सही ना। अब इनके ऊपर अगर आप गौर करो, ये आप यहां से अपनी मर्जी से इसको सेट करोगे, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां से आप इसकी वैल्यूज को कंट्रोल करोगे, इसको यहां से आप कंट्रोल करोगे, ये बिल्कुल शार्प, मैं जरा इसको क्लोज करके दिखाता हूं, ये देखिएगा दोनों एजेस शार्प हुए, दरमियान में थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होगी, वो क्योंकि दरमियान नहीं दिख रहा आपको, फील नहीं हुआ, लेकिन ये छोटा सा चेंज आपको स्क्रीन पे नजर आया होगा, ये देखो राउंड,
इधर थोड़ा सा इसका एज विड्थ ज्यादा है, इसके दूसरी साइड पे चलते हैं, देखते हैं उधर क्या है, पूरा स्क्रीन पे देखते हैं चले, ताकि पूरा नजर आए ना फॉर्मेशन इसकी है क्या। बिल्कुल हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अब आप अगर इसमें, अच्छा बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो इसकी लाइन की विड्थ है क्या इससे भी मोटी हो सकती है या पतली हो सकती है। अब अगर आप इसमें गौर करो, लाइन की मोटाई जो कि मैक्स और मिन है वो 0.007 है, जेम्स बॉन्ड नहीं है वो, इसका नंबर ही है। वो देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 0.007 और मैक्सिमम भी, दोनों मिनिमम जो विड्थ है वो भी 0.007 है, मैक्सिमम भी 0.007 है। अब एक काम करता हूं, मिनिमम 0.007 ही रखता हूं, मैक्स को चेंज करता हूं। सही चल रहा क्यों इतनी है। ठंड हो रही है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है यार। गर्मी ओ इधर देखो, ये देखो, ये देखो, चेक करो, कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है वैसे। हाँ उसकी जी, एक साइड की विड्थ हैवी हो रही है, मैक्सिमम कितनी, एक तरफ देखो, ये मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी, चेंज थोड़ा सा लुक चेंज हुई है कि लाइनिंग। और इसको जरा क्लोज करके देख लो ना, ये देखो अब हमें ज्यादा अच्छा नजर आ रहा होगा आपको। और ये जब आप स्टार्ट पॉइंट पे जाते हो तो ये देखो बिल्कुल आपकी जो थिन लाइन है वो थिकनेस की तरफ जा रही है, क्योंकि आपने उसको कहा है इम्पैक्ट टूल में कि मिनिमम इतनी विड्थ होगी। ये देखो इसके ऊपर जरा चलते हैं, लाइन विड्थ इज मिनिमम एंड दिस इज द लाइन विड्थ ऑफ मैक्सिमम। पिछली बार क्या था, दोनों सेम थी, दोनों सेम थी, इसलिए आपको फील नहीं हुआ। अब मैंने थोड़ा सा एक देखो और मजे की बात सुनो, इनके दरमियान में स्टेप है 0, एक मोटी नजर आ रही है एक पतली, एक मोटी एक पतली, एक मोटी एक पतली, ऐसा ही है। एक थिकनेस, ये देखो ये थिकनेस कौन सी चल रही है, मैक्स वाली, नीचे क्या है, थिन, थिक थिन, स्टेप बढ़ाता हूं, ये था स्टेप है। क्या हो रहा है पता है आपको, नहीं ना 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 ना, स्टेप आ रहे हैं, पहले सिर्फ दो, फिर पहले सिर्फ मिन और मैक्स में आपका आ रहा था, एक मिन की एक मैक्स की, अब उसमें मिन, अच्छा बात तो सुनो, एक मिन है एक मैक्स है, दरमियान में उसकी विड्थ की वेरिएशन है थोड़ी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। आई समझ है चीज ना, कुछ बन रहा है ना। तो ये आप इसको अगर स्ट्रेट वर्जन, ये स्ट्रेट इसलिए है कि 0 एंगल है, अगर आप इसको थोड़ा सा घुमाना चाहो सारे के ऊपर फास्ट वो तो अभी रखते हैं ना, वो तो अभी एक अलग से एक चीज और भी करने वाली है। ये पहले दो बटन दिख रहे हैं, यस इसका इस्तेमाल बताने लगा हूं, ये टाइम थोड़ा डिफरेंट है, इसका इस्तेमाल इंपैक्ट जनरेट करेगा टेक्स्ट के ऊपर, इसी लाइनों का इंपैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट के ऊपर। असल तो मैंने वो तो आपको करना ही नहीं सिखाया, अभी तो मैं सिर्फ लाइनों पे फोकस किया हुआ है, लाइनों के पैटर्न पे फोकस किया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम पे फोकस किया हुआ है, रोटेशन पे फोकस किया हुआ है। अब आगे भी देखते हैं, क्या ये मैं टेक्स्ट के ऊपर लगा दूं, ये इंपैक्ट जो दिख रहा है पूरे पे, हाफ पे, पूरे पे लगा दो ऐसे, ठीक है पूरे पे कर दें। अच्छा आपने स्टूडेंट से काम करना है, जो टेक्स्ट है ना इसको कर्व्स में पहले कन्वर्ट कर लेना, शेप जब तक नहीं बनेंगे इंपैक्ट जनरेट नहीं होगा, टेक्स्ट के ऊपर इंपैक्ट जनरेट नहीं होता। करूं कर दिया। अच्छा अब अगला काम, इसमें से एक चीज मेरे माइंड से निकल रही है कि इम्पैक्ट ऊपर होता है या टेक्स्ट ऊपर होता है, देख लेते हैं अभी। नहीं टेक्स्ट को पीछे लेके जाना पड़ेगा, इस इम्पैक्ट के बैक साइड पे लेके जाना पड़ेगा, वो कैसे जाएगा, राइट क्लिक, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर,
बैकअप पेज चला गया, चला गया पीछे, टेक्स्ट पीछे चला गया ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने जनाब इसको सिलेक्ट करना है जो आपका एग्जैक्टली पैरेलल वर्जन आपने क्रिएट किया था स्टेप्स के साथ, और ये देखो दोनों में फर्क देखो। मैं एक काम करता हूं, इसके दो डिफरेंट कॉपीज निकाल लेता हूं, दोनों को एक ही दफा करके देख लेते हैं। ये देखो एक में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट दिख रहा है नीचे, पहली ऑप्शन इनर बाउंड्री क्लिक करो, क्या हुआ अभी दिखाता हूं, कुछ हुआ है नहीं भी बताता हूं, नहीं अभी बताता हूं, अभी सब दिखेगा आपको। ये देखो दूसरे को मैंने उसी से सिलेक्ट किया, अब मैं ले रहा हूं आउटर बाउंड्री, ये लो ये फर्क है। कुछ तो आपने करना है कि हरम में नहीं करना। अच्छा आपको सर ये तो ठीक है, कुछ नजर आया आउटर बाउंड्री का तो सीन आ गया, अब मैं जरा इधर लेके आता हूं, इधर क्या हुआ था, इधर क्या हुआ था, इधर एक काम करते हैं जरा ये पूरी को सिलेक्ट करके जरा साइड पे करता हूं। वो देखो एक में इनर बाउंड्री क्रिएट हुई, एक में आउटर बाउंड्री क्रिएट हुई, हाँ जी ये इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है दोनों इंपैक्ट सामने आ रहे हैं। ये देखो इनको मैंने अलग कर दिया, टेक्स्ट से अलग कर दिया, एक है इनर बाउंड्री एक है आउटर बाउंड्री, ये चेक कर लो, ये वेरिएशन चाहिए या ये चाहिए, दोनों के अलग अलग आपके पास स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक इनर बाउंड्री एक आउटर बाउंड्री, समझ आ रही है, उस टेक्स्ट को उसके साथ उसने बाउंड्री के साथ क्रिएट कर दी, और इधर भी उसके इनसाइड इनर और ये है आउटर, ये इनर वाला सेगमेंट है वो आउटर वाला सेगमेंट है, कुछ समझ आई है। इस तरह कॉन्टेंट आपको बनाना अगर आता है या बना सकते हो तो ये इस तरह आप बनाइएगा। थोड़ी सी आपको ना इसकी एग्जैक्टली टूल की जब तक आप खुद से परफॉर्म नहीं करोगे आपको नहीं समझ आने वाली। अच्छा अब एक और पेज लेते हैं, पैरेलल भी देख लें, ये सॉरी पैरेलल तो देख लिया, रेडियल भी देख लें, इंपैक्ट रेडियल इंपैक्ट भी देख लो। इंपैक्ट टूल में जाना है, इस बार पैरेलल नहीं रेडियल। अच्छा रेडियल में जब आप क्लिक करते हैं ऑप्शन वही नजर आ रही है, ड्रॉ करता हूं यहां पे, ये देखो ये रेडियल है, चलो अब ये रेडियल इंपैक्ट। अब इसमें भी स्टूडेंट्स का गौर करो, इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट को देखो, स्टार्ट और एंड पॉइंट को देखो, क्या एक जैसी विड्थ नजर आ रही है थ्रूआउट एंड तक, ऐसे ही है ना थ्रूआउट, ये देखो ये सेंटर है, रेडियल है ना, रेडियल सेंटर होगा, पैरेलल में पैरेलल लाइन जा रही थी स्टार्ट से एंड की तरफ, लाइनें लगी हुई थी, अब ये क्या है सेंटर से आउटर बाउंड्री की तरफ एक रेडियल पैटर्न उसने जनरेट किया। यहां पे अगर आपने क्लिक किया हुआ स्टूडेंट्स तो जरा गौर करना, ये देखो जरा ये वाला स्टाइल ले लो, ये देख रहे हो एजेस शार्प है, दोनों एजेस शार्प हैं, सेंटर में थोड़ी सी स्ट्रोक की वेट ज्यादा है, एजेस दोनों शार्प हो गए, एंड्स दोनों जिसे बोलते हैं, हैं दिख रहा है, कलर राइट कर दूं, ये लो अब ये चेक करो ये ऑप्शन, इसमें क्या होगा दोनों एजेस क्या होंगे, शार्प नहीं होंगे राउंड होंगे ऐसे, हाँ और अगर आप कहते हो कि मुझे स्टार्ट और एंड एक साइड शार्प चाहिए दूसरी साइड मोटी चाहिए,
अगर आपको नहीं दिख रही, उसकी एक रीजन है कि दोनों लाइनों के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम है। ये वही काम है जो मैंने उसमें भी किया था, इसमें भी वही करने लगा हूं। मिनिमम वैल्यू माय 0.007 है, मैक्स को भी डिफरेंट करता हूं। अच्छा, ये वैल्यू एकदम से बड़ी नहीं दे देना, थोड़ी थोड़ी चेंज करना, क्योंकि ये काफी हैवी प्रोसेसिंग होती है, स्लो हो जाएगा सिस्टम, हो सकता है आपका परेशान हो जाओ आप। ये चेक करो, अब आपको यहां पे वाजे नजर आ रही है मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब इसमें भी अगर आप चाहो स्टेप्स डालना, तो स्टेप है बराबर में यहां से। समझ आ रही है वो क्या रहा है? Yes, मैंने एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज मुझे जब स्टार्ट मैंने किया तो मुझे खुद समझ नहीं आता था है क्या ये। ये मैं बता रहा हूँ आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात, उस वक्त तो मुझे नहीं पता लग रहा था हो क्या रहा है। नहीं हाँ जी, देखो मैं उस अरसे में पैदा हुआ जिस वक्त टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा था, आ रही थी और चेंज आ रहा था। इसे बोलते हैं बड़ा गोल्डन पीरियड था हमारा, जिस वक्त हम लोग पैदा हुए हैं, हमने चेंजेस देखी है। हमने वो भी चेंज देखी है जब गधा गाड़ी चल रही थी, गधा गाड़ी, टांगे, वो दौर देखे हुए। अब वो नजर आती है वो चीज, मतलब हम इतफाक से उस पीरियड में पैदा हुए जब बहुत बिग चेंज आया। मतलब जिस टाइम मैं पैदा हुआ था ना, तब भी उधर टांगे और ये रेडियो वाला वो ट्रेन कोयले वाली, वो भी देखी हुई है। और अब देखो ट्रेनों की हालत, चिंची, ये हमारे दौर की बातें हैं। वो मेट्रोला का इतना बड़ा साइज का वो मोबाइल, और उससे पहले टेलीफोन, और वो टेलीफोन का दौर भी देखा है जब हमें ये पीटी सिलेक्ट चेंज है ना, ये जीपीओ के सामने वहां पे जाके कॉल मिलानी पड़ती थी। सऊदी अरब में हम लोग वहां से आते जाते थे, तो कभी स्टडीज के लिए जब इधर मूव हो गए तो मम्मी पापा से बात करनी, वहां पे जाके स्पेशली कॉल पहले बुक करवानी, पैसे नहीं, बुक करवानी इंटरनेशनल कॉल, हुए। और टेलीफोन के लिए हमें 10 साल लगे एप्लीकेशन, 10 साल के बाद हमारे घर टेलीफोन लगा, नहीं लगता था। 70s 80s की बात कर रहा हूँ, टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिलता था, हालांकि अगर लगा हुआ था हमने स्पेशल उधर जाना। ये वो ये मतलब हमारा दौर ऐसा था जो दरमियान का दौर है, जब पुरानी चीज जा रही थी नई चीज आ रही थी, हमने वो दौर देखा हुआ दरमियान का। तो अब हमें एक बिग चेंज नजर आता है उस टाइम में और इस टाइम में, लगता ऐसे है जैसे मैं कपड़े मसीह की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इत्तफाक की बात है, हमारा पीरियड वो रहा जिसमें ये चेंजेस हमने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखी है। वरना अब आजकल बच्चों से बात करें, अच्छा ऐसा होता था है? ये मुशरफ ने 1999 में ये जो सारा सिलसिला किया था, ये जितने आए थे, ये वारिद, इत्तसलात, ये वो बिग कंपनीज, इत्तसलात तो उधर है ना, हाँ तो इधर भी है, रेडियल में। अच्छा रेडियल में एक चीज और आपको, अच्छा मैंने वो चीज पैरेलल में नहीं बताई, रेडियल में बताने लगा वो चीज क्या है। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक डिस्टेंस लाइनों की लेंथ सेम है। पैरेलल में भी ऐसा था, लेंथ सेम थी ना, जितनी पैरेलल लाइन चल रही थी दूसरी तरफ उतनी लेंथ में जा रही थी। अब आप देखोगे रैंडम मैं इसको करने लगा, ये पैरेलल में भी ऐसा था, मैंने किया नहीं थी, वो कहां करते हैं वो देखो यहां पे, ये चेक करना जरा। ये हो गए स्टेप्स, स्टेप्स तो आपको समझ आ गई होगी, बिग साइज और मिन साइज के दरमियान में स्टेप्स हैं तीन, चेक कर लो, तीन ही है ना, ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, तीन स्टेप्स है ना, 1, 2, 3। ये आपकी लेंथ, इसकी विड्थ कितनी है 0.007, इसकी कितनी है 0.127, ये दरमियान में तीन स्टेप्स ये वो वाले हैं जो यहां पे सेट किए गए। बढ़ाऊं, चार कर दिए, ये पांच कर दिए। अच्छा ये तो हो गए स्टेप, अब आप आ जाओ, आपको मैंने ये सारी चीजें तो बता दी, अब आ जाओ इधर, ये मैंने उस वक्त नहीं बताया था, अब बताने लगा हूं। ये क्या लिखा हुआ है, लाइन स्पेसिंग कितनी है दोनों में,
5.0 मिन को मैं जरा कम करता हूं। अगर आप गौर करो, पहले एक लाइन से दूसरे लाइन का डिस्टेंस सेम था, अब मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 5 है। ये देख रहे हो, एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला कहीं कम है कहीं ज्यादा है। ये देख लो, पहले वो सेम सेम नहीं आ रहा था। पांच स्टेप्स थे ना, चार दरमियान में एक स्टार्ट और एंड। अब आप देखो इनका डिस्टेंस डिफरेंट नहीं हो गया, पहले सेम था ना। दोबारा से देख लो, ये सीन था, ये फासला देख लो सेम है। अब मैंने मिनिमम 3 कर दिया, मैक्सिमम 5 रहने दिया। ये यहां से करना है, फर्क नजर आ रहा है। चलो इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सेम ही रखता हूं। अब आ जाओ एक और ऑप्शन पे जो मैंने छोड़ दी थी, वो एक छोटा सा चेक यहां नजर आ रहा है। ये देखो ये क्या करता है, ये बड़ी मजे की चीज है। इसमें अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है, रैंडम स्टार्ट पॉइंट। देखो सबका एक ही स्टार्ट पॉइंट नहीं है क्या, रैंडम कर दूं? ये रैंडम है, रैंडम। कोई आगे स्टार्ट हो रही है, कोई पीछे से स्टार्ट हो रही है, कोई आगे से जाके स्टार्ट हो रही है। ये देखो लाइनें अब एक ही पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही, रैंडम हो गए। हाँ जी, क्या एंड रैंडम है? एंड रैंडम है, एंड सेम जगह पे हो रहा है। इसको भी रैंडम कर दूं, ये क्यों नहीं होना हो रहा है? होना चाहिए था यार, ये भी ये साथ ही होता है। चले वैसे मैं बता रहा हूं, एक स्टार्ट रैंडम होता है, एक एंड रैंडम होता है, ठीक है। ये आपको चलो ये पता, ये इसमें क्यों नहीं हो रहा, ये रेडियल नहीं होता, ये पैरेलल में होता है। पैरेलल में करके दिखा देता हूं फटाफट। क्या हुआ? रेडियल बना दिया, पैरेलल बनाता हूं, उसमें भी रैंडम की ऑप्शन है पैरेलल में, नॉट इन दिस फॉर्म ऑफ द इंपैक्ट टूल। रेडियल नहीं लेना, पैरेलल लेना, पैरेलल। ये देखो अब आपको रैंडम की समझ आएगी, एक स्टार्ट है एक एंड है, ठीक है। और ये जी रैंडम, स्टार्ट भी रैंडम और एंड अप भी रैंडम। वेट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको जरा थोड़ा सा अच्छा लगे करते हुए। क्या है ये, समझ आई है? ये पैरेलल लाइंस का वर्जन आ गया और रैंडम है। कभी आपको अगर इस तरह का इंपैक्ट जनरेट करना हो, बाकी का स्टार्ट आपने रैंडम नहीं लेना होता, एंड सिर्फ रैंडम करना होता है। बाकी जैसा फास्ट एंड फ्यूरियस में लिखा है, उसके साथ दम उसकी दिखानी है, टेल दिखानी है, और रैंडम उसकी लाइंस के साथ दिखानी है। स्टार्ट आपने सेम वैल्यू दिखाना है, एंड उसका रैंडम दिखाना है। कर सकते हो? यस सर। ठीक है, तो इसको आप जब कनेक्ट करोगे, ऐसा इंप्रेशन, ऐसा इंपैक्ट नजर आएगा जैसे वो आपकी एक लाइंस की फ्लो एक स्पीड के साथ जा रही है। स्पीड यहां पे आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। क्या आपको टूल की समझ आई है? और जब आप ये काम कर लेते हो, अब जरा मैं उसको भी क्लोज करता हूं, ये जो हम साइड पे कर रहे थे, कि जब आपने ये जनरेट कर दिया, कहां गया वो, इसी को रेडियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखो हो गया, रेडियल में भी होता है। हाँ, पहले नहीं हो रहा था, मेहरबानी उसकी, हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस पे भी आप, हो गया ना स्टार और रैंडम। अच्छा अच्छा बाद ना आपको अपने डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस के ऊपर इसको आप जनरेट करना के देखना चाहो। मैं इसको फिलहाल स्टार्ट और एंड को मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं एक काम करता हूं,
मैं इसको किसी ऐसे एक ग्लिप्स लेके आते हैं, ग्लिप्स ये क्लिप ले आते हैं, ग्लिप में एक अच्छा सा ना कोई कैट ले आऊं, डॉग ले आऊं, स्पीकर ले आऊं, क्या ले आऊं, कैटी ले आऊं, ये आपको मिलेगी इधर। ये फॉन्ट है वेब वेब डिंग्स, बिल्कुल नीचे आ जाओ, इसमें अच्छी शेप्स मिल जाती हैं, फॉन्ट में ये अवेलेबल है। अच्छा ये वेंडिंग्स आ गया, वेब डिंग्स देखते हैं, ये वेब डिंग्स, ये ले आऊं स्पीकर, ये लो ये स्पीकर ले आया, स्पीकर ला के इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। स्टेप याद रखना कि क्या करते हैं आपने, स्टेप्स क्या थे, इसको अटेम्प्ट अगर करना हो तो उसमें कन्वर्ट करना, बैक टू फेस करना, दो स्टेप्स हैं ना, राइट क्लिक कन्वर्ट इनटू कर्व्स, नंबर टू पुट दिस यूजिंग ऑटर बैक ऑफ द पेज, हो गया। अब आपने इसके ऊपर इम्पैक्ट जनरेट करने हैं, इम्पैक्ट करने के लिए आपने इस टूल को एक्टिव करना है, ठीक है। पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेना, ये इम्पैक्ट जो आपका है रेडियल वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना, नंबर टू इस टूल को एक्टिव कर देना, नंबर थ्री यहाँ पे जाके मुझे बताओ क्या करना है, आउटर बाउंड्री आउटर करनी है, आउटर क्लिक कर दो और क्लिक ये लो जनाब, आउटर जनरेट हो गया। अब आप इसको सिलेक्ट करके साइड पे कर, देख रहे हो इंपैक्ट जनरेट हुआ है। बार बार आपको जरूरत पड़ सकती है ऐसे इंपैक्ट्स को, आप पहले तो इसकी पूरी की पूरी साइंस को समझना कि पूरा बनाना किस तरह है, ठीक है। उसका लाइन पैटर्न क्या सिलेक्ट होना चाहिए, फिर उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उनकी लाइन की जो स्पेसिंग या स्टेप्स कितने होने चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाएं फिर अपना वो टेक्स्ट ले आओ, अपनी वो इस तरह का क्लिप्स ले आओ, उसको कर्व्स भी कन्वर्ट करो, बिलो रखो और अप्लाई करो। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा, वरना होगा नहीं, कहीं ना कहीं फंसे रहोगे, तो सर ने तो कर दिया था मेरे से नहीं हुआ। आज के लिए काफ़ी है।